भाई हाइकिंग करते करते 2 किलोमीटर तो मैंने चल लिया। यहाँ के लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आ रही बहुत ज्यादा। ये यहाँ के गांव है जो कि एकदम अपने गांव जैसा है लेकिन थोड़ा सा हरियाली वैसी है। अचानक से 28 डिग्री से 17 डिग्री आ गया। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियोस के साथ। आज मैं हूं मलक्का में एंड मलक्का से मैं जाने वाला हूं कैमरॉन आइलैंड है, मैं वहां जाने वाला हूं। यहां से वहां तक की टोटल डिस्टेंस होती है 350 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूं कि आज जाता हूं यहां पे, देखता हूं कि यहां पे कुछ होता है कि नहीं। बट मैं सोच रहा हूं फिर से हिचहाइकिंग करने के लिए, देखता हूं कि यहां पे अभी सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं तो मेरे पास बहुत ज्यादा इनफ टाइमिंग है। तो सोच रहा हूं कि देखता हूं कि कैसा रहेगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। भाई हिचहाइकिंग करते करते 2 किलोमीटर तो मैंने चल लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं दिया है। बट कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ हाईवे जाता हूँ फिर लेता हूँ। तब तक मुझे रास्ते में ये मंदिर दिख गया, हिंदू टेंपल। यहाँ के लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बटर और रोटी बोला है कुछ, अब देखते कि क्या आता है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है और यहाँ पे ना मली लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं। मैं सोचा कि अभी करीबन 9:30 हो रहे, थोड़ा ज्यादा टाइम निकल गया, थोड़ा कुछ खा लेता तो पेट में रहेगा तो फिर जाते समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कोई लिफ्ट दे देगा तो फिर क्या पता, अगर लंबा दे दिया तो भूखे पेट जाना अच्छा बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। मैंने बटर बोला है और रोटी इन लोग ने समझा है, बस अब देखते कि क्या आता है। ये आया है ब्रेड बटर और चाय और ये पता नहीं क्या है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये रेस्टोरेंट है अच्छा खासा। अब मैं 3 किलोमीटर कुछ चल लिया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे पास ये है लिखा है जिसमें मैंने कैमरॉन हाईलैंड इंडियन ट्रेवलर। तो अब देखता हूँ कि कोई लिफ्ट देता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ट्राई किया बट स्टिल अभी तक मुझे कहीं मिला नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो अभी रास्ता जा रहा है वो डायरेक्टली हाईवे से कनेक्ट होता है, तो शायद से अगर कहीं मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो मेरे लिए अच्छा होगा। कुछ करीबन 5.5 किलोमीटर हो गए मैं चल के आया, लेकिन अभी तक किसी ने अभी तक लिफ्ट नहीं दिया यार। अभी करीबन 10:45 हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई आए मुझे भी लेके जाए, क्योंकि अभी 5.5 किलोमीटर मैं चला हूँ लेकिन अभी जाना बहुत दूर है यार, 350 किलोमीटर कुछ जाना। तो देखता हूँ अभी और कितना टाइम लगता है, क्योंकि जाने में टाइम लगेगा। इनका रोड बहुत मस्त है लेकिन जाने में सच में टाइम लगेगा अपने को। तो मैं थोड़ा थक गया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाता हूँ। ये बोर्ड है और मेरे पास वो कार्डबोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे कहाँ जाना है, तो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मे भी कोई मिल जाए मुझे। कोई मिल ही नहीं रहा है यार, कोई रुक ही नहीं रहा है, लेकिन मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, ट्राई करते रहूंगा मैं। करीबन 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, तो सोच रहा हूँ कि अभी 10 मिनट में ट्राई करता हूँ, वरना क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, अगर नहीं मिलेगा अभी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट और ट्राई करता हूँ, वरना मलक्का बस टर्मिनल से करीबन 12:30 बजे की एक बस जा रही है। अरे कुछ 8 रिंगिट है, मतलब 160 रुपया, तो सोच रहा हूँ कि वो पकड़ लेता हूँ और बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। 15 मिनट और ट्राई करता हूँ, अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है आज अपना दिन नहीं है यार, मैं अभी 15-20 मिनट और खड़ा हुआ था। कुछ 12:05 हो रहे हैं लेकिन मैंने सोचा कि अब 3.5 घंटे हो गए यार, किसी मतलब एक बंदे ने भी कोई रुका ही नहीं, क्या बोलूं मैं आज। कोई बात नहीं फिर कभी। अब मैं जा रहा हूँ मलक्का के टर्मिनल बस स्टेशन पे, वहाँ पे से एक कुछ सोच रहा हूँ कि बस ले लेता हूँ जो लेके जाएगी मुझे कुआलालंपुर। डायरेक्ट बस नहीं जाती है कैमरॉन आइलैंड के लिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, अभी जाना ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी 12 बज रहे पहुँचते पहुँचते 8-9 बज ही जाएगा आराम से। वैसे अभी जो रास्ता आपको दिख रहा होगा मेरे साथ में, वॉक करके जा रहा हूँ मैं, एकदम नियर हाईवे पे था और यहाँ से बस स्टेशन जो है करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लग रहा है कि लिफ्ट के बजाय मैं ही चल लिया हूँ आज कुछ ज़्यादा ही, बट कोई बात नहीं। ये यहाँ के गांव है जो कि एकदम अपने गांव जैसा है लेकिन थोड़ा सा हरियाली वैसी है, घर थोड़े से ज़्यादा अलग है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अपना बस स्टेशन, जाते वहाँ पे। ये रहा भाई टर्मिनल बस स्टेशन मलक्का का। अब यहाँ से मैं भी जाता हूँ, चेक करता हूँ कि अपने को बस कहाँ से मिलेगी। मैं भी अगर ऐसे कैमरॉन आइलैंड तक मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, 350 किलोमीटर कवर करने में आराम से 7 घंटे तो लग जाएंगे, 7 से 8 घंटे बस को भी। तो मैं देखता हूँ। ये है अपना मलक्का का टर्मिनल बस स्टेशन,
अंदर शॉपिंग मॉल भी है भाई, और टिकट निकालने के लिए अगर आपको टिकट चाहिए तो यहाँ पे आना पड़ेगा अपने को, और यहाँ से टिकट मिलेगी अपने को लाइन लगा के। ये बैठने वाली जगह होगी भाई, अपन यहाँ बैठ सकते हैं आराम से मज़े से। सीट नंबर 20 है और प्लेटफॉर्म नंबर 18 से आएगी, ये वाली प्लेटफॉर्म से भाई। तो ये वाली बस है भाई अपनी, मेलोर इंटरमल्स, जो अपने को लेके जाएगी करीबन कुआलालंपुर फिर से। मैंने भी अपना बैग रख दिया भाई इसमें, अब चलते हैं अंदर। ये वाली बस है भाई, अपने को टिकट मिली 10 रिंगिट में और 180 रुपए में, समझो 200 रुपए में, और उसके बाद अब ये लेके जाएगी हमें कुआलालंपुर। करीबन जाने में 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे। 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन पहुंचने में 1.5-2 घंटे आराम से लग जाएंगे। फिर वहां से अपने को फिर जाना पड़ेगा कैमरून आइलैंड। चलो चलते हैं, देखते हैं अपना सफर कैसा रहता है। मैं पहुंच गया हूं केएल सेंट्रल के बस स्टेशन पे, टर्मिनल बस स्टेशन पे। कुछ ऐसा बस स्टॉप है, ये हर जगह ऐसा लगता है कि शॉपिंग मॉल है, बस स्टॉप लगता ही नहीं यहाँ पे कहीं भी ना, देख के ऐसा लगता है कितना चमक धमक वाली चीज है, एकदम खूबसूरत सी। मैं भी पता करता हूँ कि अभी मेरे को कहाँ से कैमरून आइलैंड का टिकट मिलेगा, उस पास करता हूँ मैं भी। मुझे टिकट तो मिल गई, 38.60 की मिली। कुछ करीबन आराम से देखने जाएंगे तो 780 रुपए या तो 770 रुपए की करीबन मिली। थोड़ा महंगा है यार, बहुत ज्यादा महंगा है। करीबन अभी 220 किलोमीटर है यहाँ से कुआलालंपुर से। मेरी टिकट है शाम को 5 बजे की, सीट नंबर है 22। अभी मेरे को यहाँ पे करीबन 5 बजे और अभी बज रहे हैं करीबन 3, तो अभी 2 घंटा बाकी है, वेट करना है अपने को 1.5 घंटा। और इस जगह से हम लोग टिकट निकाल सकते हैं सामने सामने से, और अपने को कहीं भी जाना है मलेशिया में कुआलालंपुर से तो ये अपने को बता देंगे, और हम लोग वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। एक बात पता है, कुआलालंपुर से पेनांग की टिकट सस्ती है, जबकि वो ज्यादा दूर है, करीबन वो 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन और कैमरून हाईलैंड जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तनहराटा, वो करीबन है 220 किलोमीटर, और उसका ले रहे हैं 39 रिंगिट पकड़ के चलो, और पेनांग का ले रहे हैं करीबन 35 रिंगिट। तो ये भेदभाव क्यों भाई, लेकिन अभी आप पूछ नहीं सकते। लेकिन ट्रेन बहुत महंगी है भाई, कुछ 198 रिंगिट दिखा रहा था, मैंने बोला हटाओ यार इतना कौन लेगा। ये जो इनका अपना केएल सेंट्रल का बस स्टेशन है, काफी बड़ा है यार, देखने में खूब खूबसूरत सा है, फैसिलिटी इनकी अच्छी खासी है। यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं, काउंटर टिकट तम्बाहान, एडिशनल टिकट अगर यहाँ से बाय करनी है तो बाय कर सकते हैं अपन। और हर जगह ना शॉपिंग मॉल जैसा बना रहता है, यहाँ पे देख रहे हो कपड़े वपड़े खरीद सकते हैं हम लोग अच्छे से। ये क्या है, ये शॉप है खाने पीने की, पीने की है शायद से, मतलब कि ड्रिंक्स, नॉर्मल ड्रिंक्स वैसे। तो भाई सफर चालू हो चुका है, आपसे मिलते हैं कैमरून आइलैंड तनहराटा पे, तब तक आप ये व्यू एंजॉय करिए। कैमरून आइलैंड का भाई ये है बस स्टेशन, अभी जस्ट मैं आया, करीबन 9:30 होने वाले हैं, 4.5 घंटे लगे यार, 4.5-4 घंटे लगे भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कैमरून आइलैंड में बहुत ज्यादा ठंडी है भाई, करीबन अभी तो एकदम हालत टाइट हो रही है, आराम से लग रहा होगा कुछ 17 डिग्री होगा, अचानक से 28 डिग्री से 17 डिग्री आ गया, बट कोई बात नहीं। मैंने एक हॉस्टल बुक करके रखा हुआ है, अब मैं वहां जा रहा हूँ, करीबन ये बस स्टेशन से 6 मिनट की दूरी पर है बाय वॉकिंग, तो मैं चल के चला जा रहा हूँ। लेकिन भाई ये जगह कितनी मस्त लग रही है, यहाँ पे लाइटिंग लगाया हुआ है एकदम खूबसूरत। मैंने ये वाला बुक किया था बेड स्टेशन गेस्ट हाउस, बस स्टेशन से करीबन 6 मिनट की दूरी पर है। मैं जा रहा हूँ आपको, मैं हॉस्टल दिखाता हूँ हॉस्टल कैसा है, क्योंकि हॉस्टल बहुत मस्त है, मेरे को बहुत कम प्राइस में मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला हॉस्टल है, और रात के 10 बजे इनका गेट बंद हो जाता है, तो हमें ये की देते हैं, ऐसा कुछ की है, तो हम लोग उसको स्कैन करके अंदर जा सकते हैं, तो मैं आप ले चलता हूँ अंदर। ओके अब ये खुल गया,
कुछ और अंदर जा सकते हैं। कुछ ऐसा प्लेस है भाई, क्योंकि अभी कुछ लोग सो रहे हैं तो मैं सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो ये प्लेस ऐसा है और ये रहा हॉल। अच्छा स्पेस है, वॉशरूम है उस साइड और यहाँ पे किचन है दूसरे साइड। भाई आज का दिन ऐसा रहा, हमने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया। मलक्का से कुआलालंपुर गए, कुआलालंपुर से फिर गए हम कैमरून आइलैंड जहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ, और आने जाने में करीबन 8 घंटे लग गए। पूरा दिन और आधी शाम चले गए, बट कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे दिन है अभी। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और जो रेड कलर का बटन है वहां पे सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाना मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।